मेरठ में थाना अध्यक्ष थाना लोहिया नगर के अंतर्गत जामनगर में जो एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है, उसके परिजन समाजवादी पार्टी के हमारे सबके साथ में हैं, उनका भी आरोप है और हमारा भी आरोप है कि 7 से 8 लड़कों ने उस लड़की के साथ गैंगरेप किया है और प्रशासन सरकार के दबाव में उस चीज को दबा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग सभी समाजवादी, सभी संगठन, जनपद समाजवादी पार्टी और महिला संगठन, हमारे सभी मिलके हम आज जुल्म जोर की टक्कर पे संघर्ष का नारा देते हुए हम लोग पीड़ित परिवार के साथ है और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगा। देखिए, जैसी मुठभेड़े यहाँ पे हो रही हैं, उस हिसाब से तो हमें लगता है कि इन्हें पुलिस का काम छोड़ के ओलंपिक में भेजना चाहिए था, तो निशानेबाजी में कई पदक इन्हें मिल जाते। हमारी समझ में तो ये नहीं आता, जब बदमाश के एक पैर में गोली लग जाती है तो दूसरे में कैसे लगेगी, ये हमें बता दीजिए। कभी कभी आपने देखा हो कि बदमाश के दोनों पैरों में गोली मार देते हैं भागते हुए के। तो हम जो कह रहे हैं, प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है प्रशासन, और ये लोग इन चीजों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी संघर्ष के रास्ते पे चलते हुए पीड़ित परिवारों के साथ है और संघर्ष में इनके कंधे से कंधा मिला के साथ रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।